था जो 7 और 8 डेज कंटिन्यू रहा था, उसके बाद में कुछ टाइम हॉलीडे आ गया था। दैट मीन्स प्रॉपर जो इंस्टीट्यूशन स्टार्ट हुआ वो 1 अगस्त से हुआ था। 1 अगस्त से जो बैचेस चले थे उसमें वो सारे बैचेस के जो रिजल्ट्स है वो आपके सामने है। आज कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो पहले के पढ़े हुए हैं, उनके रिजल्ट सब मिले हैं, ठीक है। तो ये जो 5 मंथ्स लेके चल रहे हैं, हम की जो 5 मंथ्स के जो रिजल्ट रहे हैं अपने, 5 मंथ्स में टोटल 19 सिलेक्शन आए हैं, जो कि अपने आप में डीडवाना के लिए बहुत बड़ी बात है। एंड वन मोर थिंग जो मैं बताना चाहूंगा, जैसा कि यहाँ पे अभी जो हमारा एक टाइटल वर्ड है बैंक एसोसिएशन एयरफोर्स, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन में ये सबसे हटके होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो लोगों का मानना है कि यहाँ पे बैंक और एसएससी के लिए अच्छा प्लेस है ही नहीं। लोग ये नहीं बोलते ट्राई करो, लोगों का ये बोलना होता है कि आप यहाँ पे ट्राई ना करें, बैंक के लिए एसएससी के लिए आपको अच्छा प्लेस मिलेगा ही नहीं, एयरपोर्ट के लिए अच्छा प्लेस मिलेगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं शायद आज उन लोगों ने चुप्पी साध ली है, क्योंकि उन्होंने जो रिजल्ट देखे हैं उसके बाद उनके पास शब्द नहीं है कहने को, और वो अब ये नहीं बोल पाएंगे कि यहाँ पे प्लेस नहीं है, यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं है, यहाँ से आप बैंक एसएससी कर नहीं पाएंगे। ये सारी बातें शायद अब खत्म हो चुकी है, और वो खत्म इसलिए हुई है, उसमें 2 ही रीजन्स होते हैं। कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रोल जो होता है स्टूडेंट की मेहनत का होता है, लेकिन उससे भी जो बड़ा रोल है वो जो रोल टिका हुआ है वो गाइडेंस और टीचर किस तरह के आपको मिलते हैं, ये उससे भी बड़ा रोल है। बहुत सारे स्टूडेंट है जो 4 साल से 5 साल से 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है और 6 मंथ में उन्होंने एग्जाम को क्रैक कर दिया। तो ये जो चीज है 6 मंथ वाली, ये डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ कि उनको टीचर्स कैसे मिले हैं, वो किस टीम के साथ डील कर रहे हैं। अगर उन्हें एक अच्छी टीम मिल गई है टीचर्स की, तो वो जो 4 ईयर का जो जर्नी है वो 6 मंथ में उसे कम्प्लीट कर लेंगे। और अगर उन्हें एक अच्छी टीम नहीं मिलेगी तो वो कंटिन्यू चलते रहेंगे, हार्डवर्क करते रहेंगे, लेकिन हार्डवर्क से सक्सेस नहीं मिल पा रहा है प्रेजेंट टाइम में। सिर्फ हार्डवर्क से अगर सक्सेस मिला तो मजदूर सबसे आगे होता है आज, क्योंकि यहाँ पे हार्डवर्क के साथ साथ आपको क्या चाहिए, स्मार्ट वर्क और वो सारी टेक्नोलॉजी से आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए जो प्रेजेंट में चल रही है। वो सारे क्वेश्चंस है उनका आपको पता होना चाहिए जो प्रेजेंट में चल रहे हैं। तो इस तरह के जितने भी कंसेप्ट है, हर एक कंसेप्ट जो एग्जामिनर इंट्रोड्यूस करता है हर एग्जाम में, वो सारे कंसेप्ट्स पहले ही आपके सामने रख दिए होते हैं। तो कहीं ना कहीं एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म करते हो, और ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट जो जाता है वो विनर चॉइस की पूरी टीम को जाता है। मैं किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कहूंगा, यहाँ पे जो पूरी टीम है विनर चॉइस की, और पूरी टीम में 1, 2, 4 व्यक्ति नहीं है, यहाँ तो बहुत बड़ा काफिला है इस टीम में, ठीक है। और उन्हीं सभी के प्रेम और स्नेह और उन सबके आशीर्वाद, और सबसे बड़ा जो है माता रानी का आशीर्वाद और सालासर बालाजी का आशीर्वाद जो है, उनके आशीर्वाद की वजह से इतने सारे मुकामों को भी समय में प्राप्त कर पाए। जस्ट